हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना है और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, ये लास्ट की तीन वीडियोस में मैंने कवर किया है। तो अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन को पाथ पे ऐड करना है या फिर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी है, आप उन तीन वीडियोज़ पर रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइथन प्रोग्राम, पहला पाइथन प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर में सबसे इजीएस्ट पाइथन प्रोग्राम या किसी भी आईडीई में जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसमें सबसे इजीएस्ट पाइथन प्रोग्राम क्या हो सकता है कि अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना। वो आपका नाम हो सकता है, वो आपका बर्थ डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे किसी भी स्क्रीन पाइथन प्रोग्राम में स्क्रीन पे अगर आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है प्रिंट। अब ध्यान रखिए कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें कैपिटल प्रिंट अगर आप लिखेंगे, देखिए अगर मैंने कैपिटल में लिखा है PRINT तो ये ग्रीन नहीं हुआ। जब अगर मैं स्मॉल में लिखती हूँ PRINT तो ये ब्लैक से ग्रीन हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये पाइथन अंडरस्टैंड कर रहा है कि प्रिंट जो फंक्शन है उसका, जो कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के काम आता है, उसको यूज़ किया जा रहा है यूज़र के थ्रू। तो जैसे ही कोई भी वर्ड आपका जुपिटर नोटबुक में ग्रीन टर्न हो जाए, इसका मतलब वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फंक्शनैलिटी पाइथन ने डिफ़ाइन कर रखी है। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है और उसी पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। आप किसी और पर्पस के लिए अगर इसे यूज़ करना ट्राई करेंगे तो वो एरर आएगा। तो यहाँ पे हम पहले पाइथन प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट, कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक लाइन आप प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट फंक्शन की मदद से। तो प्रिंट क्योंकि फंक्शन है तो आपको इसका नाम लिखना है PRINT, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस प्रिंट करा रही हूँ क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर या एक कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को जब हम प्रिंट कराते हैं, मतलब या एक सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग को हम जब प्रिंट कराते हैं तो उसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है और तभी वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स स्टार्ट करे हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ से हेलो फ्रॉम माइंड योर एग्जाम चैनल। या आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट स्टार्ट किया था, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद मैंने सिंगल कोट क्लोज कर दिया है। और जो मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया था, अब लास्ट में मैं राउंड ब्रैकेट बंद कर दूंगी, ठीक है? तो अब जब आपने ये लाइन लिख ली, आपने अभी ये कोड लिखा है और यहाँ पे ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट जो आप देख सकते हैं, इसका मतलब है अभी ये रन नहीं हो रहा है। जब ये रन हो जाएगी लाइन तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो अब आपको अगर ये स्टेटमेंट रन करना है तो आपके पास यहाँ पे ये जो प्ले का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर इस लाइन के सामने 5 प्रिंट हो गया है। अगर आप पहली बार कोई स्टेटमेंट रन कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में, तो ये 1 आएगा। यहाँ पे इससे पहले मैंने इस प्रोग्राम में और स्टेटमेंट्स रन करे थे तो इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। अब ये आपका आउटपुट है, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है जो आप चाहते थे। अब सिमिलरली ऊपर वाले स्टेटमेंट को आप डबल कोटेशन मार्क्स के साथ भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग मतलब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, तो अगर आपको डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो 1 2 3 और यहाँ पे मैंने क्लोज करा डबल कोटेशन मार्क्स, जो ओपन था वही क्लोज करना है, उसी टाइप का कोटेशन मार्क्स। फिर आपने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और अब आप या तो रन वाले ऑप्शन पर जाके रन सेलेक्टेड सेल क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एंटर। तो जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे सेलेक्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये सेल एग्जीक्यूट हो गया और इसका आउटपुट आ गया हेलो 1 2 3। जो आपने कोटेशन मार्क्स दिखाए हैं, लिखे हैं प्रिंट के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे, चाहे वो सिंगल कोटेशन मार्क्स हो चाहे वो डबल कोटेशन मार्क्स हो, ठीक है?
अब ध्यान में रखिए कि आपने ये जो 1, 2, 3 प्रिंट कराया है, ये एक कैरेक्टर है, ये अभी एक नंबर नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग के अंदर ही इसे लिखा है। स्ट्रिंग मतलब, देखिए ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर्स, पर अभी पहला पाइथन प्रोग्राम जब हम समझ रहे हैं तो कुछ कुछ नई टॉपिक्स जो आ रहे हैं मैं साथ में आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे एक नंबर प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट PRINT स्मॉल में लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका नंबर है से 5, 6, 7 और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नंबर प्रिंट कराने के लिए आपको कोई कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, अब आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, तो आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो ये रन वाला ऑप्शन, या ये प्ले बटन, या फिर जो शॉर्टकट है शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो कि एक सबसे बेसिक पाइथन में प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हैं। एक प्रिंट कमांड दीजिए, प्रिंट फंक्शन को कॉल कीजिए और उसमें जो भी आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं उसे उसके ब्रैकेट्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।